नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध आरंभ, 800 ने फूका एनईपी का दस्तावेज। चांडिल में प्रशासन सख्त, सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई। शहर में कोरोना का आतंक, 36 घंटे में 6 संक्रमितों की मौत। धातकड़ी तालाब से युवती का शव बरामद, गरम नाला स्थित आवास से 2 दिनों से लापता थी। और एसएसपी और सीटीएसपी ने किया एमजीएम अस्पताल स्थित कैदी वार्ड का निरीक्षण। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गुरुवार को केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया और दस्तावेजों को फूंका गया। सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गुरुवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने विरोध स्वरूप एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दस्तावेजों को भी फूंका। उनका आरोप है कि नई शिक्षा नीति सरासर गलत और रीतिपूर्ण है, इससे व्यवसायीकरण और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा नीति में व्यापारीकरण नहीं चलेगा, शिक्षा नीति में रोजगारीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में यहाँ साक्षी गोल चक्कर पर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया कमेटी के आह्वान पर पूरे सप्ताह भर यानी 2 से 8 तारीख हमारा प्रतिवाद दिवस चल रहा है। इसी के अवसर पर हम लोग आज यहाँ पे एनईपी का दस्तावेज जलाने वाले हैं। चांडिल अनुमंडल में प्रशासन काफी सख्त है और कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर चांडिल प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों पर प्रशासन की गाज गिरी है। गुरुवार को बीडीओ प्रवेश साहू और अंचलाधिकारी प्रभात भूषण सिंह ने चांडिल बाजार का निरीक्षण किया तो कई दुकानदारों को नियमों का उल्लंघन करते पाया। उन्होंने डैम रोड स्थित कपड़े और जूता दुकानों को भी खुला पाया। दुकानों पर उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है और जवाब मांगा है। इधर प्रशासन के कड़े रवैये को देखते हुए क्षेत्र की दुकानें बंद हो गई है और भीड़ भी खत्म हो गई। इस दौरान बीडीओ ने लोगों से मास्क पहनने और नियमों का अनुपालन करने की अपील की है। जमशेदपुर में कोरोना का आतंक जारी है। एक ओर संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर पिछले 36 घंटों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में संक्रमितों की संख्या के साथ साथ मृतकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा होता जा रहा है। गुरुवार को टाटा मुख्य अस्पताल में एक और संक्रमित की मौत की खबर आई। मृतक परसुटी निवासी था और उसकी उम्र 58 वर्ष थी। उसे 28 जुलाई को टीएमएच में भर्ती कराया गया था। अब तक शहर में मरने वाले संक्रमितों की संख्या बढ़कर 61 पहुंच गई है। यदि बात 36 घंटे की करें तो अब तक 7 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। इसे पूर्व बुधवार को रात तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धातकीडी तालाब में गुरुवार की सुबह पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया है। आए दिन शहर व आसपास नदियों और तालाबों से शवों का मिलना जारी है। गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से धातकीडी तालाब से युवती का शव बाहर निकाला। पता चला कि गरम नाला क्षेत्र से एक युवती पिछले 2 दिनों से लापता थी। उसके परिजनों को बुलाया गया तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर युवती की पहचान सरस्वती कुमारी के तौर पर की। युवती वहां कैसे पहुंची, ये अनुसंधान का विषय है। पुलिस जांच कर रही है। एसएसपी डॉक्टर तमिल वानन और सिटीएसपी सुभाष चंद्र जाट ने एमजीएम अस्पताल स्थित कैदी वार्ड का निरीक्षण किया। अचानक एसएसपी के वहां पहुंच जाने से वार्ड में अफरा तफरी मच गई। दरअसल कैदी वार्ड में 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद खुद एसएसपी डॉक्टर तमिल वानन ने संक्रमित कैदियों के लिए अलग वार्ड की अनुशंसा की है। फिलहाल एमजीएम अस्पताल के कैदी वार्ड में कुल 9 कैदी है जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है और उनके वहां से इलाज चल रहा है। वार्ड की सुरक्षा में 4 गार्ड भी तैनात है। अचानक एसएसपी और सिटीएसपी के वहां पहुंच जाने से कैदियों के साथ सुरक्षा में तैनात गार्ड भी घबरा गए। एसएसपी ने वार्ड का निरीक्षण किया और कैदियों के इलाज और उन्हें दी जा रही सुविधा का जायजा लिया और वहां तैनात सुरक्षा गार्ड को विशेष हिदायतें भी दी। 2 तरह का कैदियाँ हैं जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, जेल से किसी इलाज के लिए आए हैं, उनके वार्ड अभी हम लोग देख आ रहे हैं। उनका सुरक्षा का जायजा लिया गया है और वहाँ पर तैनात हम लोग के जवान है। उनका कोरोना का जो है
प्रिवेंटिव चीज़ें हैं उनके पास, सामान सामग्री वो नहीं है तो फिर उसको। टाटा वर्कर्स यूनियन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्मचारियों के बीच विशेष तौर पर निर्मित 50 ग्राम के चांदी के सिक्के बांटे जाएंगे। विश्व के सबसे बड़े कर्मचारी यूनियन टाटा वर्कर्स यूनियन के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में इस वर्ष कर्मचारियों के बीच विशेष चांदी के सिक्कों का वितरण होगा। सिक्कों का खेप जमशेदपुर पहुंच चुका है और संभवतः एक सप्ताह के भीतर वितरण शुरू हो जाएगा। फिलहाल कोरोना की वजह से टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय बंद है। टाटा वर्कर्स यूनियन का 100 वर्ष 2019 में पूरे हो गया था। इस 50 ग्राम के सिक्के को विशेष तौर पर तैयार किया गया है जिसका बाजारी मूल्य करीब 4,000 रुपये आकी जा रही है। इन सिक्कों को कुल 12,450 कर्मचारियों के बीच वितरण किया जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन, वी नो द नीड ऑफ योर रॉयल मेट, नॉट ओनली डॉग्स but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम मंदिर भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। शहर में हिंदूवादी संगठन ने इस खुशी में विश्व सनातन हिंदू गौरव दिवस मनाया। अयोध्या में भूमि पूजन और राम मंदिर निर्माण हेतु शिलान्यास के बाद जश्न का सिलसिला जारी है। शहर भी अछूता नहीं रहा। विभिन्न संगठन द्वारा आतिशबाजी की गई और दिए जलाए गए, साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर विश्व सनातन हिंदू गौरव दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग साक्षी में दिए जलाकर और आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशियों का इजहार किया। वहीं साक्षी शीतला मंदिर में इस मौके पर कुल 5001 घी के दिए जलाए गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद जश्न का सिलसिला जारी है। साक्षी स्थित शीतला मंदिर कमेटी द्वारा इस मौके पर मंदिर प्रांगण में 5001 दिए जलाए गए और महाआरती का आयोजन किया गया। कमेटी के लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की और माहौल पूरी तरह से दीपावली की तरह लगने लगा। राष्ट्रीय जनता दल RJD के महानगर कमेटी का विस्तार किया गया है। युवा नेता रजी उल्ला खान को नया जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
राष्ट्रीय जनता दल महानगर कमेटी का विस्तारीकरण किया जा रहा है। गुरुवार को वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जावेद इकबाल अंसारी की मौजूदगी में नई जिला कमेटी की घोषणा की गई। युवा नेता राजीवुल्लाह खान को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर वरिष्ठ नेता अंबिका बैनर्जी भी मौजूद थे। जी को बचपन ही से चाहते हैं, तो इसीलिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया है और आपका आज मुझे जो पद मिला है, तो इसके निष्पक्ष में मैं पूरा से पूरा कोशिश करूंगा कि पूरी जमशेदपुर में जितने भी जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जिनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँ। उधर चांडिल अनुमंडल में भी 800 द्वारा सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। चांडिल स्थित सिंहभूम कॉलेज के मुख्य द्वार पर 800 द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वे केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस नीति को पूर्णता दोषपूर्ण और जन विरोधी बताया। आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में नई शिक्षा नीति 2020 को प्रतियां जलाई गई एवं साथ ही साथ हमारी ऑल इंडिया डीएसओ की तरफ से 2 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक अखिल भारतीय प्रतिभा दिवस मना रही है। इसी के तहत आज सिंहभूम कॉलेज चांडिल में हम छात्र समुदाय ऑल शिक्षा का निजीकरण व्यापारीकरण को बढ़ाने वाली एनईपी का प्रतियां जलाई है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।